हाय फ्रेंड्स, गुड टाइम। मैं फाइनेंशिया आज 7 अप्रैल 2018 के दिन को आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आई विश यू अ हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। फ्रेंड्स, हम सबको हमारी हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए, ये सब हम जानते भी हैं। पर आज की मेरी ये वीडियो का उद्देश्य उसके बारे में नहीं है, पर मैं आपके साथ एक चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका नाम है सुकृत परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका एक प्रोजेक्ट है सुकृत हेल्थ केयर, उसके ऊपर थोड़ा आइडिया शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी हम बीमार होते हैं तब अगर हमें कोई छोटी सी हेल्प कर दे, हमें छोटी सी मेडिसिन मिल जाए, अगर हमें लग जाता है छोटी सी बैंडेड मिल जाए, तो फिर हम कितना रिलीव्ड फील करते हैं, और उस रिलीव्ड फीलिंग के कारण हम चाहे या अनचाहे सामने वाले को ब्लेस करते हैं। बस इसी तरीके से इस इवेंट का उद्देश्य है कि हम उन जरूरतमंद विलेजर्स को जाके हेल्प करें। नो डाउट गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रहा है, पर वो उतनी ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम है, तो हम उनको जाके हेल्प करें और एक पॉजिटिव एनर्जी, एक दुआओं का फील्ड कन्वर्ट करें जो हमें भविष्य में हेल्प करे। अक्सर आपने किसी को सुना होगा कि दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना अक्सर हम कहते हैं, पर सुकृत आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप कुछ सुकृत कुछ अच्छा काम कर सकते हो, जिससे आपको कहने की जरूरत नहीं होगी कि दुआओं में याद रखना, वो लोग आपको उतनी दुआएं देंगे कि दुआएं हमेशा अपना काम आपके लिए करती रहेंगी। फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अहमदाबाद के नजदीकी कुछ गांव में जाए और वहां पे जाके हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम करें, जिसके लिए हमने एक छोटी सी सर्वे टीम बनाई और जिस टीम ने जाके सर्वे किया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुकृत में हम कोई भी इवेंट बिना कोई सर्वे या बिना कोई रिसर्च के नहीं करते। तो इस सुकृत हेल्थ केयर को करने के लिए हमने एक छोटी सी टीम बनाई, सर्वे टीम, और उन्होंने अहमदाबाद के नज़दीक के कुछ गांवों का सर्वे किया। और सर्वे करते वक्त हम जो गाँव आइडेंटिफाई करने वाले थे उसका क्राइटेरिया कुछ ऐसा था कि जहाँ पर गवर्नमेंट की स्वास्थ्य की सेवाएँ सबसे कम उपलब्ध हो, दूसरा वहाँ आसपास नज़दीक में कोई मेडिकल शॉप अवेलेबल ना हो, वैसा गांव हो तो ज़्यादा अच्छा, और तीसरा वो ज़रूरतमंद होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी जो सुकृत हेल्थ केयर इवेंट है उसके स्पॉट को सिलेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स, हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले, लेट मी डिस्क्राइब यू सो दैट आपको पता चले कि कैसे ये प्रोजेक्ट होने वाला है और कैसे आप भी भविष्य में अगर ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के तीन मुख्य चीज है। एक, हम हेल्थ चेक करना चाहते हैं, दूसरा हम हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एंड तीसरा हम हर एक घर में एक छोटी सी किट देके आने वाले जो उनको फर्स्ट एड में हेल्प कर सकती है, राइट, और उसके अंदर काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। नाउ इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन हेल्थ चेकअप, तो इन हेल्थ चेकअप यू हैव डन टाइप विद सर्टेन हॉस्पिटल्स, द स्टाफ ऑफ विच इज गोइंग टू कम, वो स्टाफ हमारे साथ आने वाला है और वो उनका हेल्थ चेकअप करने वाला है। अब हम क्या करेंगे, हम सब सुकृत के तो डॉक्टर्स हैं नहीं, तो हम वहां जाके पूरे क्राउड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, जैसे ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड मैन। सबसे पहले ओल्ड पीपल का चेकअप शुरू होगा, वृद्ध का चेकअप शुरू होगा, एंड वृद्ध का जब चेकअप चल रहा होगा तब वुमेन्स के रिलेटेड एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा होगा अलग से, वुमेन्स सुकृत वुमन विंग के द्वारा, और बच्चों के लिए एक छोटा सा अलग से प्रोग्राम यानी एक अवेयरनेस कैंपेन जैसे चल रहा होगा। अब एक साइड वृद्धों का हेल्थ चेकअप चल रहा है, तब वुमेन्स विंग, वुमेन्स को यानी कि वहां की महिलाओं को कैसे घर घर थ्रू इलाज, घर के उपचार करके सामान्य सी छोटी सी बीमारियों को सॉल्व कर सकते उसके बारे में नॉलेज देंगे, सैनिटरी पैड्स का उपयोग क्यों करना चाहिए उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। लेट मी फ्रेंड्स टेल यू, हम वहां पे फ्री में सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तीसरा, सैनिटरी पैड जो है उसको यूज करने के बाद उसको डिस्पोज कैसे किया जाए उसकी भी अवेयरनेस फैलाने की, बिकॉज काफी बार ये महसूस किया है कि सैनिटरी पैड यूज ना करने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि वो लोग उसे कैसे डिस्पोज करें उसके बारे में वो जानते नहीं। प्लस वुमेन्स को ये भी समझाया जाएगा कि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जैसे जो वाइटल मिनरल्स है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड साथ में हम उनको फ्री में हीमोग्लोबिन की दवाइयां भी देने वाले। एक तरीके से वुमेन्स के रिलेटेड पूरा अवेयरनेस चलेगा।
दूसरी साइड चिल्ड्रंस के साथ हम उनको हेल्थ के बारे में जागृत करेंगे, वो लोग ब्रश करने जैसी बेसिक नेसेसिटीज को भी फॉलो नहीं करते, तो हम उनके लिए अच्छे से ब्रश टूथपेस्ट सब लेंगे, उनको छोटा सा इंपॉर्टेंस समझाएंगे और वो टूथपेस्ट सब उन्हें डोनेट करेंगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है कि हम ना सिर्फ उन्हें चीज दें पर उस चीज से उपयोग होने वाली जो हैबिट है उसकी आदत डालें और उन्हें ब्रशिंग और सब कैसे करना चाहिए उसके बारे में सिखाएं। तो एक साइड अवेयरनेस कैंप चल रहा होगा और दूसरी साइड वृद्धों का हेल्थ चेकअप कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वृद्धों का हेल्थ चेकअप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, वृद्धों का अवेयरनेस कैंप चलेगा और वो वुमेन्स एंड बच्चों का हेल्थ चेकअप होगा। जब वृद्धों का अवेयरनेस कैंप चलेगा तो उसके अंदर उन्हें कैसे बॉडी मूवमेंट्स की छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे बॉडी के अंदर कुछ बेसिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान अगर आपको हो तो आप छोटे छोटे जो दर्द होते हैं उनको आप इजीली दूर कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी है। सो इस तरीके से हमारे दो प्रोजेक्ट्स को हम एक साथ टाइमली इफेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट से कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक हेल्थ चेकअप एंड दूसरा अवेयरनेस। फिर फ्रेंड्स बात आती है कि हम सबको एक साथ बिठा के छोटा सा अवेयरनेस करेंगे जिसके अंदर हम उनको हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझाएंगे। नो डाउट छोटे मोटे बीमारियों तो आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, पर कौन से सिचुएशंस में डॉक्टर को कंसल्ट करना अति आवश्यक होता है वो बताएंगे। फ्रेंड्स उन्हें वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस बताएंगे, गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है जैसे कि महाकाल और वो उनको बताएंगे, प्लस चाइल्ड केयर कैसे रखना चाहिए, प्लस घर पे कैसे आप एकदम इफेक्टिवली कॉस्ट इफेक्टिवली सस्ते दामों में आप हेल्दी फूड बना सकते हो, ये सारी चीजों की जानकारी हम देने वाले। एंड हम गवर्नमेंट से टाइप भी कर रहे हैं कि अगर महाकाल के जो एजेंट्स हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज वो अगर हमारे साथ आ जाए तो अगर वहां पे हेल्थ चेकअप में किसी को भी कोई क्रूशियल बीमारी डिटेक्ट होती है तो उसी महाकाल के माध्यम से हम उन्हें सॉल्व करवा पाए, वो सपोर्ट भी हम इस सुकृत हेल्थ केयर में प्रोवाइड करने की इच्छा रखते हैं जिसकी प्रोसेस अभी चल रही है। सो ये हुआ अवेयरनेस के बारे में और हेल्थ चेकअप के बारे में। फ्रेंड्स हमने एक छोटी सी टीम बनाई है जो खास करके प्रेग्नेंट लेडीज एंड एकदम न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर फोकस करने वाला, एंड उसके रिलेटेड हमने छोटी सी किट बनाई है जो स्पेसिफिकली एक न्यूबॉर्न बेबी को सपोर्ट कर सकती है, जिसमें गोदरी, उनके कपड़े होते हैं, प्लस उनके लिए एक मॉस्किटो मैट होती है, वैसी सारी चीजों का समावेश किया। तो ये चीजें तो हम देना चाहते हैं, ये साथ साथ उन्हें बेसिक ज्ञान देना चाहते हैं कि कैसे ये जो नवजात शिशु है उसका उच्छेद करें जिससे उसका भविष्य एकदम हेल्थ वाइज एकदम उज्ज्वल बने। सो ये फ्रेंड्स हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लस जैसे मैंने आपको बताया एक हम छोटी सी हेल्थ किट हर एक घर को देने वाले जिसके अंदर बेसिक से फर्स्ट एड किट होगी, साथ में ग्लूकोज होगा, इनो के पैकेट्स होंगे, बाम आयोडेक्स ऐसी सारी चीजें होगी जिससे एक घर के अंदर छोटी सी दिन ब दिन की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। आप सोच रहे ऐसा करने की जरूरत क्या है, तो फ्रेंड्स हमने जब सर्वे किया तो हमने देखा कि आजू बाजू के 3-4 किलोमीटर कोई मेडिकल शॉप अवेलेबल नहीं, कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं। हाँ वहां पे बिजली कभी कभी मिल जाती है, वहां पे पानी का सप्लाई है और वहां पे स्कूल्स भी है, पर जो मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो नहीं है। तो हम हर एक घर में छोटा सा सुकृत हेल्थ किट हर एक घर को हम डोनेट करने वाले, जिसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ बातें बताई जो उसके अंदर हम रखने वाले। सो फ्रेंड्स इससे मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज आप भी चाहे तो ऐसे छोटे से हेल्थ कैंप कीजिए, और आप चाहो तो आप हमें भी इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप ये इवेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो इस इवेंट के एंड में कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, प्लस मैंने जैसे आपको बताया हम उन्हें चीज डोनेट भी करने वाले हैं, हम उनका चेकअप भी करवाने वाले हैं और हम उनका हेल्थ अवेयरनेस भी करना चाहते हैं। चेकअप से अभी की उनकी हालत क्या है वो पता चलेगी, अवेयरनेस से वो भविष्य के जो दुर्बलता है हेल्थ की उससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में पता चलेगा, एंड ये दोनों जानने के बाद वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसे इंप्लीमेंट कर पाए, तो थोड़ा बहुत जो हमारे से हो पाएगा वो हम उनको सपोर्ट भी करके आने वाले। फ्रेंड्स मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इनिशिएटिव के बारे में एंड तक देखा, आपके कीमती समय में से थोड़ा सा समय दिया, और इसके अलावा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप खुद इस इनिशिएटिव में जुड़ना चाहते हो या फिर आप डोनेशन देना चाहते हो जो कैश के माध्यम से भी हो सकता है, प्लस आप कोई भी चीज हेल्थ रिलेटेड अभी डोनेट करना चाहते हो या जो ये हेल्थ किट है उसमें हम क्या रखने वाले हैं उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप या तो कैश या तो कोई भी चीज अगर आप डोनेट करना चाहते हो या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस कैंपेन का पार्ट बनना चाहते हो, तो वीडियो के एंड में जो नंबर्स है या जो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं
उसके ऊपर आप कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो. योर सपोर्ट विल बी वेरी 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 वैल्यूएबल टू अस. थैंक यू फ्रेंड्स.